किसी ने क्या खूब कहा है, बुद्धि की शक्ति उसके उपयोग में है, विश्राम में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि बल से बलवान क्या होता है, जिससे हम हर असंभव कार्य कर लेते हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है सुराही का जिन। एक गरीब मछुआरा बहुत परिश्रम करके अपनी रोजी रोटी चलाता था। वह एक दिन में केवल 4 बार समुद्र में जाल डालकर मछली पकड़ने के नियम पर चलता था। उसने उस नियम के कारण उसे कई बार घर पर खाली हाथ लौट आना पड़ता था। मछुआरे की पत्नी भी अपने पति के इस नियम से परेशान थी। रोज की तरह एक दिन मछुआरा अपना जाल लेकर समुद्र पर जा रहा था। उसने अपने नियमानुसार पहली बार जाल समुद्र में फेंका और थोड़ी देर बाद उसे पानी से ऊपर खींचा। उसने देखा कि जाल में कंकड़, पत्थर और भुरभुरी हड्डियां फंसी हुई थी। मछुआरे ने फिर प्रयास किया। इस बार उसे कचरे से भरा हुआ एक जंग खाया बक्सा मिला, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं थी। तीसरी बार मछुआरे ने जब समुद्र में अपना जाल डाला, तब उसे फिर से नाकामी हाथ लगी। अब मछुआरे की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वह आसमान की ओर निराशा भरी निगाहों से देखने लगा और अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगा। कुछ देर बाद खुद को हिम्मत देते हुए उसने चौथी बार यानी आखिरी बार अपना जाल समुद्र में फेंका। इस बार जब उसने अपना जाल समुद्र से ऊपर खींचा, तो उसने देखा कि उसके जाल में कोई मछली तो नहीं फंसी, पर एक बड़ी सी पीतल की प्राचीन सुराही फंसी थी। उसने जल्दी से उस सुराही को अपने थैले में भर लिया और अपना जाल समेटकर घर चला गया। खाली हाथ लौटने पर हमेशा की तरह उसे थोड़ी देर अपनी पत्नी की जली कटी बातें सुननी पड़ी। उसके बाद वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया और सुराही को देखने लगा। उत्सुकता बस जैसे ही उसने उस सुराही का ढक्कन खोला, तो उसमें धुआं बाहर आने लगा और पल भर में एक विशाल काय जिन उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुराही से बाहर निकलते ही जिन बोला, स्वामी, मैं आपका सेवक हूं, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन याद रखिए, मैं कभी खाली नहीं बैठ सकता। यदि आप मुझे कोई काम नहीं बता पाए, तो मैं फौरन आपका वध कर दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। मछुआरा बोला, जाओ मेरे परिवार के लिए श्रेष्ठ भोजन की व्यवस्था करो। और पलक झपटते ही मायावी जिन उसके समक्ष स्वादिष्ट भोजन का ढेर लगा देता है। इस बार वह उसे बड़ा काम देता है, जाओ मेरे रहने के लिए आलीशान महल तैयार करो। अभी मछुआरा ठीक से अपना आदेश देता भी नहीं है कि जिन वहां के एक आलीशान महल खड़ा कर देता है। मछुआरा अब और भी घबरा जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिन्न को ऐसा कौन सा काम दे जिससे वो उलझा रहे। उधर जिन्न मछुआरे के सर पर खड़ा चीखता है, बताओ अब क्या कर रहा है। तभी मछुआरे को एक तरकीब सूझती है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, जाओ महल के बीचों बीच एक लंबा मोटा बांस गाड़ दो। हो गया, जिन्न बोलता है, बहुत अच्छे, अब जाओ उस बांस पे बार बार चढ़ो उतरो और जब तक मैं दोबारा नहीं बुलाता तब तक मत आना। जिन्न मुंह लटकाया चला गया और मछुआरा अपने परिवार के साथ आराम से उस महल में रहने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों यही है कि बुद्धि से बड़ी समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इस कहानी से हमने सीखा कि बुद्धि जो है वो बल से भी बलवान होती है। उसने बड़े से बलवान जिन्न को भी हरा दिया उस मछुआरे ने और अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगा। बुद्धि को बलवान बनाते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए।
ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक दिन मिलती रहे इसके लिए प्रेस बेल आइकन।